लखनऊ में रमजान का चांद देखने के लिए खास इंतजाम। रमजान का चांद आज देखा जाएगा। चांद देखने के लिए लखनऊ में खास तैयारियां की गई हैं। अगर आज चांद नजर आ जाता है तो रमजान की कल पहली तारीख होगी और एक माह तक मुस्लिम समुदाय रोजे यानी व्रत रखेंगे। लखनऊ के ऐशबाग ईदगाह में चांद देखने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। पिछले दो साल से कोरोना की वजह से रमजान का पाक महीना तमाम पाबंदियों के बीच गुजरा था, लेकिन इस बार कोरोना से देश के हालात बेहतर हैं। इस बार उम्मीद है कि मस्जिदें गुलजार नजर आएंगी। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली, इमाम ऐशबाग ईदगाह लखनऊ से बात की गई, उनके मुताबिक आज से रमजान का महीना शुरू होने की उम्मीद है। अगर आज चांद दिखाई दे जाता है तो आज से नमाज तरावी शुरू हो जाएंगी और कल पहला रोजा रखा जाएगा। आज 2 अप्रैल को पूरे मुल्क में रमजान मुबारक का चांद इंशाल्लाह देखा जाएगा। अगर चांद नजर आ जाता है तो पूरे मुल्क में आज से तरावियों का अहतमाम होगा और कल यानी 3 अप्रैल को पहला रोज़ा होगा। और चूँकि 2 साल के बाद पूरी आज़ादी के साथ और एक अच्छे माहौल में कोविड के दौर के बाद हम लोग रमज़ान मनाएंगे तो लोगों में ज़्यादा खुशी है, ज़्यादा जोश और खरोश है, लिहाजा तरावियों में भी हर जगह ज़्यादा भीड़ होने की उम्मीद है। तो लिहाजा एडमिनिस्ट्रेशन और इंतज़ामिया के साथ इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया में मीटिंग भी हुई है और यही सबसे अपील की गई है कि तमाम जगह साफ सफाई है, सिक्योरिटी के माहौल बंदोबस्त किए जाएँ। पानी जो कि गर्मी ज़्यादा है, लिहाजा पानी का भी माहौल इंतज़ाम किया जाए। और सभी रोज़ेदारों से अपील है कि हर मस्जिद में, जो कि इस साल 2 साल के बाद अफ्तार भी होगा, तो लिहाजा अफ्तार में भी गरीब और गुरबा को ज़रूर शामिल करें और इस अफ्तार के वक्त अल्लाह से इस बात की ज़रूर दुआ करें कि अपने मुल्क के अल्लाह ताला हर तरीके से हिफाजत फरमाएँ। और भी न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल बोलना तो है को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।